नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने जीवन काल में उत्तम सुखों का लाभ ले रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के जीवन काल के आने वाले 3 से 4 दिनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर जो बड़ी ग्रहों की स्थिति बन रही है, जो बड़े शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं, उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर जो बड़ी ग्रहों की स्थिति बन रही है, जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों आप खुशी के आंसू रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम फुल गारंटी के साथ कहते हैं कि सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बता दें कि अगले 4 दिनों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, दोस्तों पहले 30 साल के पहले ऐसी ग्रहों की स्थिति बनी थी, जो कि दोस्तों आपके आने वाले 4 दिनों के अंदर बनने वाले हैं। दोस्तों समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आप आज के वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस कलयुग में जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में इन बातों को ढाल लेगा, इन बातों को सही तरीके से समझ लेगा, तो दोस्तों यकीन मानिए वही इंसान इस कलयुग पर राज करेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपकी राशि के जातक का बस यही एक अर्थ है कि आप कलयुग पर शिप और शिप राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले 4 दिनों के अंदर, या फिर दोस्तों कहें तो आने वाले कुछ ही घंटों में आप रंक से राजा बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों 4 दिनों का समय जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, जो ग्रहों में योगों का निर्माण होने वाले हैं, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों कौन सी महत्वपूर्ण बात आपको अब अपने ध्यान में रखना होगा, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाले हैं, कौन से ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाले हैं, साथ ही दोस्तों कौन से महत्वपूर्ण उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों आपके जीवन काल में कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट और कोई भी बाधाएं ना आए। दुश्मन जो आपको परेशान करते हैं, उस दुश्मनों से आपको कैसे निजात मिलेगा, कौन से उपाय को करना चाहिए, जो आपके आर्थिक तंगियां हो रही है, जो पेशों को लेकर समस्याएं हो रही है, जो भी जीवन काल में आपके अड़चने आ रही है, कार्य में जो भी बाधाएं आ रही है, दोस्तों सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं, सभी को उपाय आपको बताने वाले हैं। बस आपका दायित्व यही होगा कि दोस्तों अपने जीवन काल के कुछ महत्वपूर्ण समय निकालकर, मात्र 5 से 10 मिनट का ही समय निकालकर आप इस वीडियो को एक बार अंत तक ध्यान से देख ही लीजिएगा। दोस्तों ये हमारा विनम्र निवेदन रहेगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों हमारे वीडियो बनाने का बस यही एक मकसद है कि दोस्तों जितना भी मेहनत हम अपने वीडियो को बनाने में करते हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत आप उन्हें देखकर कर लेंगे और अपने जीवनकाल में सफल हो जाएंगे, तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है, हमारा जो ये जानकारी पहुँचाने का मकसद है, वो दोस्तों सफल हो जाएगा। और दोस्तों साक्षात इनसे हमारे कर्मों का भी घड़ा भरेगा, जो कि दोस्तों हमारे लिए और आपके लिए इस कलयुग में सभी इंसान के लिए बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों थोड़ा सा योगदान आप जरूर इस वीडियो को दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आपकी राशि के लाखों की संख्या में लोग इस चैनल पर जुड़ चुके हैं, तो दोस्तों अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम आप चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों इस चैनल में आपको बारंबार कुछ ऐसे ही जानकारी दी जाती है जो कि दोस्तों आपके जीवन काल से जुड़े हो, जो कि आपके जीवन काल के सारे सच्चाई दिखाती हो, जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में आने वाली बाधाओं से आपको सावधान कराती हो, बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाती हो, दोस्तों सारे संकट सारे समस्याएं आपके जीवन काल से हट जाए, इस प्रकार की तमाम वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम दोस्तों जो भी भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के, भगवान शनिदेव जी के सच्चे पीर भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक सर्वप्रथम कर दें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय शनिदेव, हर हर महादेव, दोस्तों त्रिलोकीनाथ का नाम आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों इनसे आपके जीवन काल के विभिन्न प्रकार की बाधाएं जड़ से ही समाप्त हो जाती है, दोस्तों ये भी एक प्रकार की मंत्री है, तो दोस्तों कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 4 दिनों का समय आपके ग्रहों में, आपके कुंडली में 3 बड़े राजयोग का निर्माण होने वाले हैं। जी दोस्तों, सुख समृद्धि योग का भी निर्माण होगा,
साथ ही साथ दोस्तों गजकेसरी नाम का भी राज्यों का निर्माण होने वाले हैं। जी दोस्तों, शुक्र और गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अब अच्छी स्थिति में आने वाली है, जिनके कारण दोस्तों धन योग का भी निर्माण होगा, जिससे दोस्तों आप शिव के जन्म काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली है, बहुत सारी ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे दोस्तों आपके घर परिवार की स्थिति बहुत ही अच्छी सुधर जाएगी। जी दोस्तों, देखते ही देखते आप सभी का जीवन बदल जाएगा। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी का जो स्वभाव होता है, आप सभी का जो व्यक्तित्व होता है, वो दोस्तों बिल्कुल ही साफ दिल का इंसान आप सभी होते हैं। कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं दोस्तों। जो भी कार्य करते हैं मन लगाकर कार्य करते हैं। किसी का क्षति पहुँचाने का, किसी व्यक्ति को ठगने के बारे में आपके मन में कभी विचार नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि ईश्वर की दिव्य शक्तियां भी आपके साथ रहता है। कई बार आप देखे होंगे कि साक्षात तो नहीं, तो दोस्तों कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ होगा कि साक्षात ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं आपके साथ, जो आपकी रक्षा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सब आपके अच्छे कर्मों का ही फल है, जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में अच्छी ऑरा बनकर घूमते हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनकर घूमते हैं, जो कि आपके चारों ओर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कभी आप गलत राह पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं, कि दोस्तों यही कारण है कि आपके चारों ओर हमेशा सकारात्मक ऑरा रहती है, जो कि भगवान शनिदेव का ही भेजा हुआ शक्ति होता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव को हिंदू धर्म में कर्मों के फल देने वाले दाता मान जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा वह व्यक्ति के कर्मों को ही देखकर उन्हें फल देते हैं। अगर व्यक्ति अच्छा कार्य करे तो उन्हें अच्छे फल देते हैं, अगर व्यक्ति गलत कार्यों पर चल रहे हो तो दोस्तों उन्हें दंड भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें दोस्तों सभी देवताओं में श्री दंडाधिकारी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप पिछले कई समय से अपने जन्मकाल में बहुत थोड़ा सा परेशान भी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके जन्मकाल में हुआ है, आपको ऐसा लग रहा था कि आपने कभी अपने जन्मकाल में सुख का असली जो अनुभव होता है, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग मेहनत का फल पाने के बाद चैन की नींद लेते हैं दोस्तों, वो आप अभी तक नहीं पाए हैं। जी दोस्तों, पेशा तो आप कमाए हैं, जी दोस्तों पेशा तो आप बहुत बार कमाए हैं और बहुत सारे पेशे आपके पास भी आए हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे पेशे आपके पास आते हैं तो दोस्तों कई बार पेशा आपके पास टिकता नहीं है, इधर से आते हैं तो दोस्तों पेशा उधर चला जाता है। आपके जन्मकाल में परेशानियाँ खत्म होती है, लेकिन दोस्तों फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई नई परेशानी आपके जन्मकाल में आ जाती है, जिसे दोस्तों आपका जीवन पिछले कई समय से तंगी सा थोड़ा चल रहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको निराश और मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप भले ही पिछले जीवन काल में अच्छी तरीके से खुश नहीं हुए हैं, साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि पिछले समय जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु वर्ग हैं, जो कि अपने ही हैं, आपके जान पहचान के ही हैं, वो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। आपकी भावनाओं की कोई भी इंसान कदर नहीं करता। जो बात आप लोगों को कहना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें लोग खिल्लियाँ उड़ा देते हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आपकी बातों का भाव लोग नहीं समझते हैं। जी दोस्तों, वो अपने ही मुठ्ठी पर चलते हैं। एक प्रकार से कहें वो अपना ही जिद लेकर चलते हैं। आप कौन सी बात कह रहे हैं, कितना अच्छा बात कह रहे हैं दोस्तों, उन पर वो लोग गौर नहीं करते हैं। जी दोस्तों, जिनसे आपका मन भी कई बार निराश हुआ है, और दोस्तों आप निराश होकर खुद में ही खुद रोते हैं। कई बार दोस्तों आप अकेले बैठकर ऐसे रोते हैं, और कभी भी आप अपने आंसुओं को किसी को नहीं दिखाते हैं, ना ही दोस्तों आप अपनी कमजोरियों को किसी को बताते हैं। आप अपनी परेशानियों को खुद ही समाधान में ले आएंगे, ऐसी सोच आपके अंदर हमेशा से है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप कभी भी अपने दिल का हाल लोगों को पता नहीं चलने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में आपकी जन्मकाल के सारी समस्याओं का समाधान होने वाले हैं, सारे आपकी चिंताएं खत्म होने वाली हैं, और सभी प्रकार की जो भी बाधाएं, जो भी संकट आप सभी के जन्मकाल में पिछले कई समय से चल रही है दोस्तों, वे सारी बाधाएं अब समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों जो ग्रहों की स्थिति बनी है, जो ग्रहों में योग का निर्माण हुआ है, जो सुख समृद्धि योग का निर्माण है, जो राजयोग और जो धनयोग का निर्माण है दोस्तों, आपकी राशि के लिए तो रंक से राजा बनाने वाला कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले चार दिनों का समय आपके लिए वर्षों से भी बड़ा समय साबित होगा। जो वर्षों में लोग नहीं कमाई कर पाते हैं, उतना दोस्तों आप आने वाले चार दिनों के अंदर कमाई करने वाले हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों ये चार दिनों का समय आपके लिए लॉटरी का समय होगा, अचानक भाग उदय का समय साबित होगा।
करो कि जो स्थिति आपकी होने वाली है दोस्तों बिल्कुल ही आपके सभी कार्यों को मजबूत तरीके से कार्य में लाएंगे। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि 110% आप सभी की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। परंतु जो बात हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों उन्हें आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कोई भी बातों को आप इग्नोर मत कीजिएगा। दोस्तों ये हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा। तो आए दोस्तों अब आपको बताते हैं पूरे ही विस्तार से। दोस्तों आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच्ची बात बता दी कि दुश्मन कभी भी आपको सफल होते हुए नहीं देख सकते हैं। जी दोस्तों आप जब भी सफल होते हैं तो आपकी सफलताओं के बीच पत्थर बनने का कार्य करते हैं, यानी कि आपके रास्तों में कांटे बनने का कार्य करते हैं। जी दोस्तों जब भी आपके अंदर थोड़ी सी प्रसन्नता होती है, जब भी आप अपने मेहनत से कोई भी पेशे कोई भी खुशियों को अर्जित कर पाते हैं तो दोस्तों वो लोग आपकी खुशियों को देख नहीं पाते और देखते हैं तो दोस्तों वो अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। जी दोस्तों और आपके खिलाफ कई प्रकार के षड्यंत्र भी रचने का कार्य करने लगते हैं कि कैसे आपकी ये खुशी दुख में बदल जाए, कैसे आपकी ये सफलताएं असफलताएं में बदल जाए, जो भी आपको काबिलियत मिली है, जो भी आपको सम्मान मिला है, कैसे वे आपसे छिन जाए, कैसे आप समाज में बदनाम हो जाए। दोस्तों इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की षड्यंत्र वे रचने लगते हैं। जी दोस्तों और ये जो लोग होते हैं वे आपके अपने ही आपके पास आकर आपके सारे गहराई से सारे बातों को जानकर और हमेशा वो आपके फायदा उठाने का ही कार्य करते हैं। दोस्तों ये बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस बात से हमेशा दुख होता है कि दोस्तों अगर दुश्मन बाहर का हो तो व्यक्ति झेल लेता है, उनसे लड़ लेता है, लेकिन दोस्तों जब दुश्मन आपके घर में ही हो, जब दुश्मन आपके अपने ही हो तो दोस्तों अंदर से एक बहुत ही घुटन सी महसूस होती है और अंतरात्मा कांप उठता है। जी दोस्तों ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जीवन काल में ऐसे समय बार बार नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों लोगों को पहचानने का भी यही समय होता है। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये लोग आपके करीबी होते हुए भी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों ये लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों आपकी जो भी जरूरत की चीज़ है दोस्तों अगर वो आज चीज़ आपको नहीं भी मिलता है, कभी कभार आप कार्य करते हैं, पेशे कमाते हैं और पेशे लाते हैं, अगर आपको अपनी जरूरत के सामान जैसे कपड़े हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो आप चाहते हैं कि ये हमको भी मिलना चाहिए, एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छा जूता या फिर एक अच्छे पहनावे के वस्त्र, दोस्तों आपको नहीं भी मिलता है तो दोस्तों आप टूटे फूटे चीज़ों को ही पहनकर काम चला लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग आपके जीवनकाल में कभी भी एक अच्छी खुशी को नहीं देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों आप कितना मेहनत करते हैं ये लोग ये नहीं देखते हैं, आप खुशी से जी रहे हैं बस ये लोग यही देखते हैं। जैसे तैसे करके दोस्तों आप अपने जीवनकाल में अपना जीवन को यापन करते हैं। दोस्तों आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए आगे रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये लोग कभी भी आपकी खुशी के लिए आगे नहीं आते। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी को इच्छाओं को देखकर, अपने घर परिवार की इच्छाओं को देखकर दोस्तों अपने अरमानों का गला दबा लेते हैं। अपने परिवार की खुशी के लिए दोस्तों आप खुद को बहुत ही ज़्यादा दुख तक दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों ये आपके अच्छे कर्म अच्छे स्वभाव हमेशा आपके लिए ईश्वर की नज़रों में सर्वप्रिय रहता है। जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया है, जिन लोगों के लिए आप दिन रात एक कर दिए हैं, दिन रात मेहनत करके दोस्तों उन्हें खुश किए हैं, लेकिन दोस्तों जब वही लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता है तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जी दोस्तों आपकी फीलिंग का, आपके इमोशन का, अगर आपके जज्बातों का कोई कदर ना करे कि आप क्या कर रहे हैं, कितने मेहनत से कार्य कर रहे हैं और उनके लिए क्या तक किए हैं, उन्हें खुश करने के लिए आपने कौन से कार्य नहीं किए हैं, और दोस्तों फिर भी वह लोग आपके अरमानों का, आपके इमोशन का कदर नहीं करे तो दोस्तों दुख तो होना जायज ही बात है। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि वालों को दोस्तों हम यही बात बताना चाहेंगे कि आप लोग वैसे तो शेर की तरह होते हैं। जी हाँ दोस्तों जैसे बाहर से आपको देखने में सभी लोग कहते हैं बहुत ही ये सहनशील इंसान है, आपके साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, जी हाँ दोस्तों आप लोग पलट कर सबसे अच्छा ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि लोग आपके साथ बहुत ही गलत करते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी आप उनके सामने जाते हैं तो दोस्तों आप सबके लिए अच्छा ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों आपके मन में दूसरों के प्रति कभी द्वेष की भावना नहीं आती है, क्यों दोस्तों आप ईश्वर पर यकीन करते हैं, आप भक्ति भाव में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए दोस्तों आपको कभी किसी के ऊपर दुष्कर्म करने का ही मन नहीं करता, किसी को क्षति पहुँचाने का ही मन नहीं करता, क्यों दोस्तों आप अपने मन को ईश्वर के ऊपर लगा बैठे हैं और यही कारण है दोस्तों इन्हीं का फायदा लोग उठाते हैं। आपके अच्छे होने का, आपके
अच्छेपन का दोस्तों लोग फायदा उठाने लगते हैं। वो लोग जानते हैं कि आप कभी ना नहीं कह पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में वो आपको पहचान जाते हैं और आपको आजमाने लगते हैं। और दोस्तों इन्हीं का आपको जो है उपयोग करके वो आपको क्षति पहुंचाते हैं। दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि हर इंसान की सहन करने की कोई शक्ति होती है, कोई सीमा होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपकी राशि वालों के लोग, सबसे अच्छी और दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों आपका सब कुछ लूट भी जाए, सब कुछ बर्बाद और सब कुछ तबाह भी हो जाए, चाहे कोई भी कार्य हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, अगर वह बिखर भी जाए तो दोस्तों फिर भी आप अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने नहीं देते। कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये समय है, ये समय गुजर जाएगा, हम वक्त के साथ हर कार्यों को हासिल कर लेंगे। आपका मान सम्मान दोस्तों कभी खुद से कम नहीं होता। दोस्तों आप खुद के नज़रों में कभी नहीं गिनना चाहते। जी हाँ दोस्तों, लोग चाहे आपको कितना भी बुरा करें, उनसे आपको फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों हमेशा खुद को एक ऐसा शक्तिमान आप बनाना चाहते हैं जो कि दोस्तों कोई और नहीं है। जी दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप जो भी कार्य करेंगे दोस्तों खुद से ही करना चाहेंगे। दोस्तों खुद का मालिक बनना आपको सबसे ज़्यादा पसंद होता है। दोस्तों किसी और का गुलाम बनना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। किसी और के घर जाकर काम करें, किसी और के दी हुए पेशी को ले, लोग आपको ऑर्डर करें, उन बातों को माने, दोस्तों ये बातें आपको कभी भी पसंद नहीं आती। आप हमेशा खुद का मालिक बनना पसंद करते हैं। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये जो आदत है ये बहुत ही दिलचस्प है, ये हर किसी राशि में नहीं होता जो दोस्तों आपकी राशि में है। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें, अगर आप कोई भी काम अपने हाथों में ले लें तो दोस्तों वह काम जब तक आप पूरा नहीं करते वो दोस्तों आप उन्हें छोड़ते नहीं हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों जिद्दी का स्वभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। जी दोस्तों आप अपनी क्षमताओं को किसी के सामने जाहिर नहीं करते, लेकिन दोस्तों अंदर से आप इतना शक्तिशाली सर्वसहनशील इंसान हैं कि दोस्तों आगे वाला व्यक्ति कभी आपको समझ नहीं सकता। दोस्तों आगे वाला व्यक्ति भले ही आपको मूर्ख कह दे, भले ही आपको कुछ ऐसा कह दे जिनसे आपको बुरा लगे, लेकिन दोस्तों आप यह बात जानते हैं कि आप क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बस यही लगता है कि दोस्तों आगे वाला व्यक्ति हीरे की पहचान नहीं कर पाया है, हीरे को वो कहाँ समझ रहा है। जी दोस्तों, और ये सच में आपके अंदर होता है कि दोस्तों आपके अंदर हर कार्य में सफलता पाने की चाहत होती है। जिस कार्य में आप लग जाते हैं दोस्तों उन्हें आप पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस राशि के लोग किसी से अगर प्यार भी करते हैं तो दोस्तों इस तरह प्यार में डूब जाते हैं कि दोस्तों सामने वाले की छोटी छोटी बात को भी दिल पर लगाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्यार में बहुत ही आप नरम दिल के इंसान होते हैं। दोस्तों छोटी से छोटी बात आपको दिल पर लग जाती है। अब अगर आप किसी के प्यार में हैं तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप हर छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी दोस्तों आप किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप किसी की भावनाओं के साथ इतना जल्दी जुड़ जाते हैं जितना जल्दी कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि छोटी छोटी बात अगर कोई पार्टनर आपको कह दे तो दोस्तों वह बातें आपके दिल में लग जाती है और दिल में दर्द भी आपको होता है। दोस्तों आपको लगता है कि व्यक्ति कैसे होंगे, उसके प्रति आपका दुखद ख्याल भी आता है। दोस्तों आप उनके प्रति हमेशा ख्याल करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, वह कहाँ पर है, कहाँ जाता है, क्या करता है। दोस्तों अगला व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, आप जिसे उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं दोस्तों अगला व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, दिल की बातें दोस्तों आप दिल में ही दबा कर रखते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगला व्यक्ति आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, आपकी फीलिंग को समझ नहीं पाता और दोस्तों आपको ठुकरा देता है। जी दोस्तों, ऐसे में आपका दिल टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके इमोशन को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचता है, मानो दोस्तों समंदर में आग सी लग गई है, ऐसी आपके अंदर घुटन सी होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के लोग दोस्तों बहुत ही समझदार और बहुत ही दयावान भी होते हैं। दोस्तों कभी भी किसी के प्रति आप गलत व्यवहार नहीं करते, लेकिन दोस्तों अगला व्यक्ति ही आपके प्रति गलत सोच रख लेता है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इंसान कितना भी चाहे कुछ कर ले, लेकिन दोस्तों आपकी भावनाओं की कदर ना करें तो दोस्तों आपको बहुत ही दिल से खराब लगता है। जी दोस्तों, आपने कितना भी किसी के प्रति मदद के अभाव रखे हैं, कितना भी उनके प्रति कुछ किए हैं, दोस्तों व्यक्ति कैसे भूल जाता है। दोस्तों यही सब सोचकर आपको अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा ठेस लगता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपकी अंदर जो अच्छाई है,
जो लोग आपको बुरा बना देता है। दोस्तों हम आप शुभ बता दें कि कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको अब ध्यान रखना है। दोस्तों ज़्यादा भोलेपन बनने का अब आपको प्रयास नहीं करना है। जी दोस्तों, कोई दूसरा व्यक्ति जो दोस्तों आगे आपके अच्छे बनते हैं और आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, क्योंकि दोस्तों वह इंसान जिसको आप अपना समझकर, जिनके लिए आप सब कुछ किए, अगर वही इंसान आपकी रिस्पेक्ट न करे, आपकी फीलिंग को हट करे, आपको कुछ समझे ही ना, तो दोस्तों बुरा तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। जब दोस्तों उसका काम निकल जाए तो दोस्तों वो आपके पीछा छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे बात तक भी नहीं करते। जी हाँ दोस्तों यह सब घटना जो है हम आपको बता रहे हैं, क्या दोस्तों ये सब घटना आपके साथ नहीं हो रहा है? दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, क्या दोस्तों आपकी भावनाओं की कदर कोई कर रहा है? जो तो दोस्तों जो भी लोग पिछले समय आपके साथ थे, क्या दोस्तों यश में वो आपके साथ हैं? नहीं दोस्तों, वो लोग अपने काम में बिजी हैं, क्यों दोस्तों उनसे आपका काम निकल गया। वो जितना आपसे चाहते थे उतना उनको मिल गया और वो लोग अब आपको छोड़ कर चल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है, अब उन्हें सबक सिखाने का भी वक्त आ गया है। उसे अब आपको अपना वैल्यू बताने का टाइम आ गया है। जी दोस्तों, आपकी क्या अहमियत है उसे भी अब पता चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि अब आपका अच्छा टाइम ही आ गया है, ऐसा समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अब आपको भी सावधान हो जाना है। दोस्तों जो गलतियाँ आपने पहले की है, जो ठोकरें आपने पहले खाई है, दोस्तों उन सब चीज़ों को अब आपको बिल्कुल ही छोड़ना होगा और दोस्तों वापस ही आपको वो गलती अपने जीवनकाल में नहीं दोहरानी है। जी हाँ दोस्तों उसे दोबारा से अपने लाइफ में आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है। कई बार लोग आपको धोखा देकर अगर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं तो दोस्तों दो चार मीठी अगर बातें बोल देते हैं तो आप उन्हें क्षमा कर देते हैं, वापस अपने जीवनकाल में ला देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब अब आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो भी इंसान आपको एक बार धोखा दे देता है वो आपको जीवन भर धोखा देगा। इसलिए ऐसे इंसान को माफ कर अच्छा बन जाओ, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास कर मूर्ख बिल्कुल ही मत बनो। कि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवनकाल में खुशियों की एक नई लहर आने वाली है। आने वाले चार दिनों के अंदर जो धनयोग राजयोग का निर्माण होने वाले हैं, जो भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा आप सभी के जीवनकाल में होने वाली है, उनसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में अचानक से बहुत ही बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवनकाल में धन से जुड़ी जो भी समस्याएँ थी, दोस्तों वो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में धनयोग का निर्माण हुआ है। भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा आप सभी के जीवनकाल पे हैं, जिनके कारण दोस्तों जो भी धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवनकाल में पिछले कई समय से चल रहे थे, दोस्तों वह अब देखते ही देखते समाप्त होंगे। आपको लाभ के नए मौके मिलने वाले हैं। जो लोग दोस्तों व्यापार के क्षेत्र में पिछले कई समय से लगे हुए थे, उन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपको लाभ की एक नई दिशा दिखने वाली है, जिनमें दोस्तों आप दोगुनी तरक्की करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवनकाल में दुश्मन आपके पीछे से हटने वाले हैं। क्यों दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवनकाल में जो खुशखबरी आपको मिली है, दोस्तों ये आपके लिए कोई आम खुशखबरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, ये धनयोग का निर्माण आप सभी के जीवनकाल में आपके व्यापार की स्थिति को बदल देगा। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें मन चाह नौकरी ऐशमय मिलने वाली है। हम आप सभी को बता दें कि आप पिछले कई समय से अपने जीवनकाल में पेशों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे थे, लेकिन दोस्तों अब आपकी वो परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवनकाल में पेशों की जो किल्लत थी वो समाप्त होने वाली है और धन से आप मालामाल बनने वाले हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आप रंक से राजा बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले चार दिनों का समय आपके जीवनकाल के लिए कोई छोटा मोटा समय नहीं है। दोस्तों ये समय भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी का दिया हुआ आपके लिए वरदान है। जी हाँ दोस्तों, इसी समय में शत्रु जो आपको परेशान करता है, उनसे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण उपायों को भी करना चाहिए। कुछ बातों का भी अब आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दोस्तों आने वाले चार दिनों के अंदर आपको कुछ ऐसे गलत कार्य नहीं करना है, जैसे कि दोस्तों मांस मदिरा जो भी इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, दोस्तों अगले चार दिनों तक आपको इन्हें बिल्कुल ही बंद कर देना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा
कि आने वाले 4 दिनों तक आप शिबी की जुनकाल में ये सब चीज अगर हुई तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी और भगवान भोलेनाथ भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बेलपत्र, अरवा चावल और दोस्तों आपको दूध को अर्पित करना है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ से अपने जीवनकाल के दुखों का निवारण के लिए प्रार्थना करनी है और दोस्तों विधि विधान के साथ आपको भोलेनाथ की पूजा करना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि आने वाले 4 दिनों के अंदर आप शिवी के जुनकाल में माता लक्ष्मी प्रवेश करने वाली है, यानी कि माँ लक्ष्मी का वास आप शिवी के घर में होने वाली है। धनधान से आपके घर भरेगा। तो दोस्तों ऋषि में आपको घर में कौन सी चीज़ों को लेकर सावधानी रखनी है। दोस्तों आने वाले 4 दिनों तक आपको अपने जुनकाल में जो हो हल्ला का माहौल होता है, घर में जो गृह क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं, दोस्तों उन सभी को बंद करना होगा। दोस्तों सारे चीज़ों की समस्याओं का जड़ एक ही है, वह है दोस्तों पेशों की जड़। जी हाँ दोस्तों, पेशे नहीं होते दोस्तों जीवनकाल में बहुत सारी अड़चने आती है, घर का माहौल खराब हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले 4 दिनों के अंदर बस आपको घर में शांति बनाकर रखना है, घर में जो है वातावरण को बिल्कुल ही सकारात्मक बनाकर रखनी है। दोस्तों भक्ति गाने सुनने हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि 4 दिनों के अंदर आपको माता लक्ष्मी की आगमन के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, माता लक्ष्मी के मंत्रों की जाप करना है, माता लक्ष्मी की जो है आपको पूजा अर्चना करना है। जी दोस्तों, और माता लक्ष्मी का दोस्तों स्वागत आपको बिल्कुल ही धूमधाम से करने हैं। इस प्रकार का भाव अपने मन में आप रखिएगा। दोस्तों सुबह उठ के ही आप अपने जीवनकाल में घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों गंगा जल छिड़क कर माता लक्ष्मी का आह्वान करें और माता लक्ष्मी का स्वागत करें। दोस्तों इनसे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर में जो भी पैसों के लेकर समस्याएं हैं, जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, वो सारे समाप्त कर देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी शत्रु वर्ग आपको परेशान करते हैं, जो शत्रु आपको हमेशा नुकसान करने के ही बारे में सोचते रहते हैं, तो दोस्तों उन सभी से बचने के लिए, उन सभी को सबक सिखाने के लिए आपको आने वाले 4 दिनों के अंदर महाबली हनुमान जी के मंदिर में जाना है। और दोस्तों महाबली हनुमान जी के मंदिर में लगा जो सिंदूर है उन्हें अपने घर में लाना है और घर के आपको तिजोरी में रख देना है। शादी चार दोस्तों उस सिंदूर को आप अपने माथे में भी लगा लीजिएगा। दोस्तों इनसे शत्रु जो आपके पीछे लगे रहते हैं, जो शत्रु आपके रास्ते में कांटे खड़े करते हैं, दोस्तों वे सारे कांटे उनके ही रास्ते में आएंगे और शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, शत्रुओं से आपको मृत्यु मिलेगी। जी दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो कि दोस्तों आपको रात को सोते समय करना है। जी दोस्तों सोने से पहले दोस्तों आप अपने शत्रुओं का नाम लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों इनसे महाबली हनुमान जी सुबह होते होते ही उन सारे शत्रुओं को सपने में ही जाकर उनको सबक सिखा देंगे। दोस्तों ये जो उपाय है बहुत ही गुप्त उपाय है, दोस्तों ये उपाय सबको ही नहीं बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये सिद्ध उपाय है, आप करके देखिएगा। दोस्तों आपको 100% यकीनन लाभ होगा। दोस्तों ये जो उपाय है आपके जीवनकाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि उपाय करने से पहले आपको अपने मन में उपाय के प्रति सच्ची विश्वास रखनी है। अगर आपको लगता है कि ये उपाय हमको काम नहीं करेगा, ये हमारे लिए गलत है, दोस्तों यकीन मानिए ये उपाय आपके लिए गलत ही साबित हो जाएगा। अगर आप ईश्वर पर यकीन करते हैं तो दोस्तों ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा और जीवनकाल में आपको देखते ही देखते सारी संपट समस्याओं से, आपके जीवनकाल में सारे बाधाओं से आपको मुक्ति दिला देगी और जीवनकाल में खुशियां आपको देने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की है संपूर्ण वीडियो आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन